लेट्स सी द पॉजिटिव नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस. यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है राइट, उसे हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करेंगे. तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो भी सेंटेंस है उसे नेगेटिव में कैसे लिखा जाता है और इंट्रोगेटिव में. हमने पॉजिटिव सेंटेंस की तो फॉर्मेशन देख ली राइट. तो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे आई ही और शी, मैंने आपको अभी फॉर्मेशन में दिखाया कि व्हेन द सब्जेक्ट इज आई ही शी और इट और एनी सिंगुलर नाउन वी हैव टू यूज वाज इन द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. वाज इज द पास्ट फॉर्म ऑफ इज एंड एम राइट. इज एंड एम इज द प्रेजेंट फॉर्म, दिस इज द प्रेजेंट ऑफ टू बी राइट. एंड वाज इज द पास्ट ऑफ इज एंड एम राइट. इज एंड एम का पास्ट फॉर्म क्या है, वाज. हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर प्लस आई एन जी वर्ब यूज करते थे, यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस में हम वाज और वर यूज करते हैं राइट. तो वाज है, इज और एम का पास्ट फॉर्म है राइट. और आर का पास्ट फॉर्म, ये आर जो है प्रेजेंट फॉर्म है और उसका पास्ट क्या होगा, वर राइट. तो ये जो वर वाज और वर है वो हमें अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज करना है. आई वाज रीडिंग, ही वाज रीडिंग, शी वाज रीडिंग राइट. व्हेन द सब्जेक्ट इज वी यू और दे और एनी प्लूरल नाउन, वी वर रीडिंग राइट, वी हैव टू यूज वर राइट. वर वाज, वी वर रीडिंग, यू वर रीडिंग, हम इसकी जगह पे ये यूज कर सकते हैं. पूरा का पूरा सेंटेंस नहीं है, यहाँ पे मैंने स्लैश किया है. देखो, वी वर रीडिंग, यू वर रीडिंग, दे वर रीडिंग राइट. व्हेन द सब्जेक्ट इज वी यू और दे वी हैव टू यूज वर एंड व्हेन द सब्जेक्ट इज आई ही एंड शी वी हैव टू यूज वाज राइट. नाउ लेट्स सी द नेगेटिव सेंटेंस. इन द नेगेटिव सेंटेंस यू हैव टू रिमेंबर दैट व्हेन द टू बी वर्ब इज गिवन right, we have to add not just after it. She was not reading. Negative sentence में हमें क्या add करना है, only not after the helping verb. Was not, were not, just after the helping verb, right? She was not reading. We were not reading, right? And interrogative sentence. इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमें क्या करना है, ये जो हेल्पिंग वर्ब है वो आगे लाना है और सब्जेक्ट पीछे. वाज शी रीडिंग, वर दे रीडिंग राइट. इट्स सो इजी दैट यू हैव टू रिमेंबर. नाउ आई विल गिव यू सम सेंटेंसेस एंड यू हैव टू कन्वर्ट देम इनटू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस ओके. All these points you have to write in your notebook with proper handwriting, okay? You have to try to understand and then write. Change into past continuous tense. Convert this sentence into past continuous tense, right? ये जो दो sentences है मैं आपको अभी solve करवाती हूँ, दूसरे sentences मैं आपको दूंगी, वो आपको अपने आप solve कर रहे हैं right? तो change into past continuous tense. अगर हमें कोई भी sentence को past continuous में change करना है तो first of all we have to remember the formation of past continuous tense. What is the formation? Subject plus was verb plus ing verb, right? तो subject के बाद ये जो वर्ब है हमें वर्ब को चेंज करना है अकॉर्डिंग टू टेंस राइट. इसमें वर्ब क्या है, ब्लोज एंड द लीव्स फेल टू द ग्राउंड. इसमें वर्ब कौन सा है,
fell, right? What was the answer? What is the answer of this sentence? A cold wind was blowing. हमें verb की जगह पे क्या रखना है? Was plus ing verb. यहाँ पे cold wind है, इसलिए हमने was यहाँ पे use किया है, right? So this is the answer. A cold wind was blowing. We have to change only the verb according to the tense. The leaves fell to the ground. Right? The leaves. The subject is plural, right? Leaves. Leaves is the plural of leaf, right? So this, when the subject is plural, we have to use verb. The leaves were falling the ground. Here fell is the past form. We have to convert it to ing form. So here the ing form present participle of fell is falling, right? Were falling. ऐसे ही मैं आपको और sentences दूंगी जो कि आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कन्वर्ट करने हैं. ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड. थैंक यू.